बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने कहा चलो आपसे पहले ये कुछ दिखा दूँ। तो इधर सोया हुआ है एहतिशाम भी और वो अरसलान भी सोया हुआ है। अब इनको मैं उठाती हूँ जुम्मे की करें ये तैयारी ताकि उठ के। तो उधर जो है ना देखती हूँ इसके आरिश के दादा बू को, वो भी उठ गए हैं, वो गए हैं वाशरूम। चलो फिर इधर मैंने नाश्ता शुरू किया हुआ था, नाश्ता बना के फिर मिलते हैं नाश्ता का। सालन मैंने इधर रख दिया है गर्म करने के लिए, सालन हो रहा है गर्म। नाश्ता इधर हो गया तैयार और बच्चों ने उठने में देर लगा दी है। अरसलान अभी उठा है, अरसते शाम अभी सो रहा है। सालन में से निकालती हूँ, अभी तो उसका टाइम रहता है। ये हो चुका है गरम, मैं निकाल दिया है। हाँ जी चलो फिर हम नाश्ता शुरू करने लगे हैं। तो शाम उठ गया है, नाश्ता कर रहा है और अरसलान जा रहा है, अरसलान निकल रहा है बाहर। इधर जी एहतिशाम कपड़े इस्त्री अपने कर रहा है, ये एहतिशाम भी कहीं तैयारी कर रहा है निकलने की कहीं बाहर जाने की। ये भी अपने जूते साफ कर रहा है। जूते साफ कर रहा है। कपड़ा मार लो साफ हो जाए। इधर से मैंने अभी चीज़ें उठानी है, कंबल नीचे पड़ा हुआ है, इधर भी बिखरा हुआ है। और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ये अरसलान इधर सोफ़े पे सोता है क्यों सोता है, लेकिन इसका मेन मसला ये है कि इसने लीड बोर्ड यहाँ पे ला के रखा हुआ है, चार्जर वगैरह सब कुछ इधर, इसकी मोबाइल इस्तेमाल करता है तो साथ चार्जिंग होती रहती है, ये इसलिए फिर यहीं पे सोता है। गर्मियों में भी ये यहाँ पे सोता था, यहाँ पे बिस्तर लगा के यहाँ पे साथ बोर्ड के। कौन आया है? अच्छा अरसलान है। मैंने कहा पता नहीं गुजाला भाजी आई, क्या लेके आयो? शिरमाल लाए। अच्छा क्यों, पराठा नहीं खाना था? दिखाओ ज़रा शिरमाल। इधर रख दिए और मेरे बेटे ने ऑर्डर किया कि चाय गर्म करो। मैं भी वही चाय दूंगी पहले वाली जो बनी हुई है गर्म करके, पहले नाश्ता छोड़ के चला गया था। ठीक है। ये हमारे घर आई हैं जी मेहमान, ये मेरे जेठ की बेटी। बैठने भी नहीं दिया मैंने, कहा पहले मैं वीडियो बना लूं। ये अरसलान को दूं नाश्ता, ये लेके आया है। वरना ये है कि मैं तुमसे वैसे ही पकड़ ले। ये लो जी नाश्ता आपका। कहाँ बैठोगे? पकड़ लो। नहीं वो बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे दरमियान में रखो। ऐसे ही दे देना बाद में जब तुम्हारा। चलो
मेरी अम्मी ने बोला था कि दोबारा से वीडियो बना, मैंने एक दफ़ा कार्टन खोल लिया था, मैंने वापस बंद किया है, अब वापस खोल रहा हूँ ताकि ना पता लगे कि यार कार्टन खोल रहा है। ठीक है, ये देखें ये प्यारम खजूर है, प्यारम दिखने में थोड़ी सी मबरूम टाइप है, टेस्ट भी तकरीबन इसका थोड़ा बहुत मबरूम की तरह ही है। किसी भाई को भी चाहिए हो मिल जाएगी, 800 रुपये किलो है। ठीक है, कॉटन लेगा तो 750 हो जाएगी फुल एंड फाइनल, वैसे 900 रुपया इस्लामाबाद में और 1200 रुपये इस्लामाबाद में सेल आउट होता है। अस्सलाम वालेकुम, पैसे लगे हो ना फिर उसके मज़े भी होते हैं। हाँ तो ये देखें जी, खजूर की क्वालिटी बीच में कुछ दाने बेचारे ये जो है ना ये जो दब के दब जाते हैं तो, लेकिन ख़राब नहीं है, फ्रेश खजूर है। ये जी हमने कुछ चाय का इंतज़ाम किया है अम्मी लोग के लिए ना, आप ऐसा मोबाइल ले लें, थोड़े से पैसे दे दें, ये आप ले लें अम्मी जी। अच्छा, थोड़े बहुत पैसे देते हैं, ये फ़ोन आप ले लें। ठीक है, आप यूट्यूब से जो पैसे आए, फराज आप भूख लगी थी इसलिए हम चाय पीने लगे। नाज़रीन आपको क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आती है, आप मम्मी को मेरी को सपोर्ट करें ताकि वो अच्छा सा फूल ले सके। बिल्कुल, और अभी हम जैसे कि देखें अभी ये खजूर है, ठीक है दिखाएं। ये खजूर जो मैं लेके आया हूँ खानी चाहिए, आप लोग भी खाएं, अच्छी है। जिसको जिस किसी ने लेनी हो खजूर की थोड़ी सी वीडियो ऐड कर देंगे बीच में, अच्छी सी खूबसूरत सी सिनेमैटिक्स बनाए हैं, ऐड करें आप उसको देखिएगा, आपको पसंद आएगी, मैं नाम लिख दूंगा, प्राइस लिख दूंगा और ऑर्डर कर दिएगा। टेस्टी है खजूर, बहुत अच्छी है भाई। ये हमारे कस्टमर हैं, देखिए इनको पसंद आ रही है, बहुत अच्छी खजूर है ये, है कि आप भी ट्राई करें एक बार। हाँ एक बार अच्छा करना चाहिए, देखें इधर उधर की चीज़ें खाने का। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा आप कुछ कहें, हेलो सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, कुछ तो कह सकते हो। ठीक है खजूर है, आप खजूर मजा की। ओ चलो जी, इधर है फराज की मामा बैठी हुई हैं, तो ये भी चेक कर रही हैं, सारे खजूरें चेक कर रहे हैं फिलहाल। हम हो रहे थे इसलिए हमने कहा, हम कॉलोनी में बोर हो रहे थे तो हमने इसलिए क्या कह रहे कि अभी हम चलते हैं थोड़ा सा ब्लॉग में भी आ जाएंगे। हाँ तो आप भी मजबूर हो जाए ना, डेमो सुनने का हमारा भी थोड़ा बहुत शौक है, इंशाल्लाह जरूर होंगे एक दिन। ये जो हमारे मेहमान आए हुए थे ये जा रही हैं वापस, फराज और फराज की मामा। जा रहे हो? हाँ जी, हमारी वीडियो देखेगा आप और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है ऐसा दबा दें, आपके पैसे नहीं लगेंगे इसमें, आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है फराज जा रहे हो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेहमान जी हमारे चले गए हैं, अभी हो गए हैं 7:30 होने वाले हैं, अब करते हैं खाने का बंदोबस्त। तो ठीक है फिर हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, आपसे चाहिए हमें इजाज़त। थोड़ा सा आज मैंने कहा था आज आरिश के कमरे का विज़िट नहीं हुआ तो इसका भी विज़िट करवा देते हैं आपको। ठीक है फिर मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।